सुबह के 11:30 बज चुके हैं। आज हम लोग ने अपना सिस्टम ऑन कर दिया है और विनीत भाई का प्रमोशन हो गया है। तो इस टाइम क्या बज रहा है, बहुत देर बाद मैंने ब्लॉग दोबारा ऑन किया, 3 बज चुका है। नया डिजाइनर हम लोग के बीच शामिल हो चुका है विनीत भाई अपना। ये जो लॉन्ड शख्स को देख रहे हैं, ये करता है फिनिशिंग, ये फिनिशिंग मैन है। हंसी देखो एकदम। सनबोडी कटिंग चल रही है यहाँ पे, और अरे तुम ही सारा काम करते हो ना, तुम तो साले से दिन भर टहलते हो। हाँ, मेरा काम ही यही है टहलना भाई, अय्याश अली जिंदगी मैं जी रहा हूँ। कहाँ चलोगे कल, कहाँ चलना है बताइए। कल हम छुट्टी नहीं करेंगे, हमें परसों जाना है काम से। कल नहीं करेंगे, बस तुम कर रहे हो क्या ये आकाश भाई हमारे। कल मैं देखो, मैं छुट्टी नहीं करूँगा तो कल का व्लॉग भी आप लोगों को दुकान का ही मिलेगा। परसों मैं जाऊँगा कहीं घूमने तो परसों का व्लॉग चेंज करूँगा, परसों कहीं और का व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी गांव का। वहाँ मैं शादी में जाऊँगा। ये देखिए सनबोर्ड अपने पास रखे हुए हैं, इन सनबोर्ड में पेस्टिंग हो गई है। ये देखिए साहब भाई अपने सनबोर्ड उधर रखते हुए साइड में, और मशीन अपनी जो है सन्नाटे में अकेले खड़ी हुई है, कोई काम वाम नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये पतले दुबले से बड़े ही स्मार्ट से, मतलब ऋतिक रोशन के बाद अगर किसी का नंबर है स्मार्टनेस में तो वो है सुभान भाई। आप देख रहे हैं इनकी जुल्फे कितनी खतरनाक है, ओहो माशाल्लाह, एकदम अलग ही लुक देते हैं। और जानबूझ के ये कैमरे के सामने ऐसे करे हुए कि लोग इनकी जुल्फों को देखें। कहाँ कौन कहाँ चला गया, देखो नीचे पैंट में देखो, जेब के अंदर होगा। चलिए फिर आगे की कहानी बाद में सुनाते हैं आप लोगों को। ये देखिए क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो आलोक बेटा। हाय, हेलो, दोनों हमड़े एक साथ, दोनों भाई एक साथ, सॉरी तुम्हें कहीं नहीं रहा। देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं हाफ कर। देखिए कहीं दुकान पे 5:30 बज चुके हैं, और ये चूतिया लौंडा कुछ चूतिया पारा दिखा रहा है, दिखाओ। आकाश की मारने जा रहे हैं हम, तो ये लौंडा चूतिया लौंडा चूतिया कार्ड बनाया जा रहा है। हाँ फिर अपने और यहाँ पे ऋतिक रोशन का पार्ट 2 वर्जन जो यहाँ खड़ा हुआ है। तो कार्ड हम बाद में बनाएंगे, अब यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लगाई जाती है। और आकाश भाई बड़े शांत मिजाज हैं यार, लग रहा है इनके दिल टूट गया है। आकाश भाई छोड़ गई क्या, आकाश भाई भाई छोड़ गई क्या। अरे भाई ये आकाश भाई विमल खा रहे हैं, ये देखिए आप लोग इनको देख रहे हैं आप, अंडरटेकर के छोटे भाई। तो आज मैं वो टट्टी क्या लेके किसकी टट्टी लेके आये भाई। रंजन सुपाड़ा का बचपन ऐसे ही था, ये देखिए आप अपने दांतों का खून, वो दिखाओ दांतों की धार। दुकान पे कुछ भी नया नहीं हो रहा है, वही सारे लोग, वही वही एक सिंगल काम, प्रिंटिंग का करना, उसको काटना और फिर इनके मतलब इनको देना, यही काम ये सारे चल रहे हैं। दीपक क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे मुर्दा गिरी क्यों चाहिए। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो कैसा है, क्या हुआ, क्या चूतड़ मतलब दोरी क्या। हाँ तो फिर ऐसे ही बस। ये ऋतिक रोशन का दूसरा वर्जन, ये देखिए दूसरा वर्जन,
अंडरटेकर दूसरा उधम, ये एमएस धोनी का दूसरा उधम। अबे खटिक। शाम के 6 बज चुके हैं और आकाश भाई मैनेजर वाली सीट पे बैठे हुए हैं फुल भौकाल से। विनीत भाई भी बैठा हुआ मोबाइल चला रहे हैं और हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बाकी ये सब तो बैठे ही रहते हैं। ये सब तो फ्री में है, मतलब परमानेंट हम ही लोग काम करते हैं खाली। हम लोग सब मिलके मशीन चला रहे हैं, साहब भाई सिखा रहे हैं सुभान भाई को मशीन चला, और ये मशीन चला दी सुभान भाई ने, वो ने प्रिंट निकला। सुबह मैंने हाथ डाल दिया और प्रिंट निकाल लिया। अब प्रिंट की शाइनिंग आप देख रहे हैं, पूरे लखनऊ में हमें लग रहा है ऐसी प्रिंट कोई नहीं दे पाएगा। ये बाहर कौन आ गया रे? तो इस टाइम हाल 10 बज चुके हैं, 7 मिनट बाकी 10 बजने में, और दुकान पे बिल्कुल सन्नाटा है, सब कुछ बंद हो चुका है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेले बैठा हुआ हूँ। और ऊपर चल रही है मशीन, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से कि मशीन में कौन कौन है। तो ये मशीन में आकाश भाई जो हैं, ये कुछ मशीन में प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, और ये देखिए छोटे वाले में आप देखिए कि 2 लोग हैं और ये लोग कर रहे हैं कटिंग, और मेरा सारा काम तो निपट ही चुका है, तो मैं तो बैठा हूँगा ना, मैं अकेले बैठा हूँ, दुकान बढ़ चुकी है। और यहाँ ये आ रहा है, बेटा बेटा इधर देखोगी, ए बिटिया ए बिटिया, अरे बिटिया दुकान का नहीं बंद करी अभी तक, तुम टहल का रही हो, रही हो टहल रही हो। तो फिर हम लोग अब दुकान बंद करते हैं धीरे 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 धीरे, फिर घर जाएंगे और अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे। बस मेरी ज़िंदगी में यही ब्लॉग है, सुबह दुकान आना, शाम को घर जाना, और दिन भर में थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाना। ये जो पीछे से हैं ये अंकुर भाई के पापा हैं, फ्रेम इनका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पर भी काम चल रहा है ना, ये लग रहे हैं, ये लग रही है, और तो इस वजह से ठीक है। फिर तो मैं अब बंद करने के बाद ही थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा, और फिर तो अब हम लोग रामा पीटर्स को बढ़ाते हुए कल नई शुरुआत होगी, और फिर से आप लोगों को यही सब इस जैसों की शक्ल देखनी पड़ेगी कल से। इस लौंडे को देख रहे हैं आप कितना मुरहा लगता है ये। बस चलिए बंद करते हैं अब बाकी।